छिमेकी राष्ट्र भोटाङले आगामी अप्रैल महिनाको पहिलो सप्ताहबाट जयगाउँ र फुन्छोलिङ भोटाङलाई जोड्ने जयगाउँ देवकोटा टोलको पुरानो बाटो चाइनिज लाइन खुल्ला राख्ने फैसला लिएको छ। शनिबार जयगाउँमा तृणमूल कङ्ग्रेसका कालचिनी ब्लक सभापति वीरेन्द्र बाराउरावले उक्त कुरोको जानकारी दिएका छन्। जयगाउँ दुई नम्बर तृणमूल अञ्चल दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै तृणमूल कालचिनी ब्लक सभापति तथा टिसिबिएसयुका सभापति वीरेन्द्र बाराउरावले भोटाङले चाइनिज लाइनको पुरानो बाटो खोल्ने चिठी प्राप्त भएको बताउँदै चाइनिज लाइनको बाटो पैदल यात्रीको निम्ति 24 घण्टा खुला राख्ने सहमति जनाएको र यसको निम्ति विगत 17 फरवरीको दिन मात्र एआइटिसीले भोटाङलाई यसको निवेदन चढाएको बताए। जुन काम यहाँका सांसद र विधायकहरूले गर्नुपर्ने थियो त्यो काम तृणमूलले गरेर देखाएको पनि भाजपामा ती तिनले कटाक्ष गरे। जयगाउँबाट फुन्छोलिङ आउजाउ गर्ने पैदल यात्रीको संख्या दैनिक 3000 भन्दा कम नरहेको र भोटाङले चाइनिज लाइनको बाटो खोलेपछि पैदल यात्रीको निम्ति सजिलै हुने तृणमूल कालचिनी ब्लक सभापति वीरेन्द्र बाराउरावले थप जनाएका छन्। एक अपील हमारे भूटान गवर्नमेंट को किया गया था और 27 फरवरी को हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आकर या डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व आकर यहाँ पे आप लोग को ये सूचना दिया था। आज एक पेपर हमारा हाथ आया हो गवर्नमेंट ऑफ रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के द्वारा, इसमें साफ कहा गया है कि ये आपका जो री ओपनिंग का जो एप्लीकेशन था उसका जो अपील था उसे मान लिया गया और आप 24x7 ये आपका चाइनीज लाइन या संगलम खुलने जा रहा है। देखिए 24 घंटा भूटान से जो अपील था, आज हम लोग अपील किससे किए थे? भूटान गवर्नमेंट से किए थे। करना था ये अपील एक्चुअली एमपी एमएलए साहब को, क्योंकि इंटरनेशनल इशू है। इंटरनल इशू में आपका केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप करते हैं और हमारे केंद्र का मंत्री हमारे अलीपुर द्वार के सांसद भी है, उनको करना था लेकिन वो व्यर्थ रहे। इस विषय पर हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये अपील होकर आज खुलने जा रहा है और भूटान ने अपने साफ तौर पर कहा कि 24x7 खुलेगी। अब हमारे जो सेंट्रल की जितने भी एजेंसीज हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया में जो सुरक्षा के लिए रहते हैं उनके द्वारा भी उनके साथ भी बातचीत चल रहा है। देखिए 24x7 खुला जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। देखिए नियम आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पे लगभग 3000 पेडिस्टेरियन पैदल यात्री हमेशा आवागमन कर सकते हैं, लेकिन नियम क्या होगा? भूटान अपना दो गेट जिस मैंने अपना जो गेट खोली है, जो नियम निर्धारित की है, शायद या उससे कोई मॉडिफाई करके तो होगा, क्योंकि इसमें तो पैदल यात्री आवाजाही करेंगे, इसलिए लगता है कुछ आशावंतित है कि नियम में कुछ छूट मिलेगी। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार, टिकट को मूल्य 200 रुपया, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री बैका टिकट और बाटा।